कैसे हैं आप सब लोग। टाइमलेस रेसिपीज में आप लोग का मोस्ट वेलकम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा फटाफट से। ओके, शुरू करते हैं रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हमने ये चिकन नगेट्स बनाए हैं और देखें इतनी ढेर सारी, इतनी ज़्यादा सी चिकन नगेट्स हमने सिर्फ 100 ग्राम मुकद्दम में बना ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे बनाना है। हमने 100 से 150 ग्राम ये चिकन के ड्राई पीसेस ले लिए हैं और इनको अच्छे से धो लिया है, इनका पानी ड्रेन कर दिया है और अब हम इनको मिक्सी के जार में डालकर फाइनली पीस लेंगे और बहुत बारीक पीसना है हमें अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये हमने पीस लिया है और अब हम इसे पकाएंगे। तो हमने मसालों में क्या लिया है, आधा प्याज चॉप किया है, थोड़ा सा अदरक और लहसुन चॉप किया है और थोड़ा सा हरा धनिया है। तो हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल देखें डालकर अदरक और लहसुन जो हमने चॉप किया था उसे फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी चेंज होने लगा है अदरक और लहसुन का कलर। तो हमने चॉप्ड प्याज डाल दिया है, ये हाफ प्याज हमने चॉप किया है, चॉपर में कर लें या आप हाथ से कर लें, थोड़ा मोटा भी होगा तो कोई बात नहीं चलेगा। तो ये प्याज हमने तेल में डालने के बाद, अच्छे से थोड़ा चलाने के बाद, जो हमने मुकद्दम पीसा था ना चिकन का, जो ड्राई गोश्त हमने पीसा था, वो सब हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो हमें इसको अच्छे से कुक करना है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं पीस कर, और इसके ऊपर अंडे वगैरह की कोटिंग कर कर हम नगेट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे तो इनके नगेट्स बहुत अच्छी बनेंगी और टेस्ट में भी बहुत डिफरेंस होगा। तो आप इसी तरह से बनाएं एक बार, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो यहाँ पर अच्छे से पक रहा है चिकन, तो हमने थोड़ा सा नमक और मिर्च, पिसी लाल मिर्च का पाउडर मैंने यूज़ किया है वो डाल दिया है, 3 से 4 पिंच के करीब गरम मसाला डाल दिया है। और ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम चिकन को देखें अच्छे से भूनेंगे, और हमें ये खुले में ही इसी तरह पकाते रहना है। तो अब हम यहाँ पर बीच में हम हरा धनिया भी डाल चुके हैं, तो ये सारा चिकन हमने निकाल लिया है 5 से 7 मिनट पकाने के बाद, और अब इसे ठंडा करेंगे। यहाँ पर आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत आसान ना लगे तो आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब पीस लें वापस से, तो बहुत अच्छा फाइन देखें ये पीस जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके अब हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ये हमने अच्छा बारीक पीस लिया है, ये पका हुआ मुकद्दम जो था ना, हमने ये ठंडा करने के बाद पीस लिया, और देखें कितनी अच्छे से बॉल्स जो हैं, ये नगेट्स हमारी फॉर्म हो रही हैं, अच्छे से बन पा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सारा मुकद्दम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा मैश करने के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से इस तरह से बॉल्स बन रही हैं। बस हमें इसी साइज़ की और इसी तरह की बॉल्स बनानी हैं। तो हम क्या करते हैं, सारी बॉल्स को एक ही साइज़ का बना लेते हैं। तो हम 100 ग्राम मुकद्दम में 15 से 16 बॉल्स आराम से बना लेंगे और हमारी बहुत ही अच्छी नगेट्स घर में बन जाएंगी, हमें इतनी महंगी नगेट्स बाहर से मार्केट से लाना भी नहीं पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा सी नगेट्स हम इतने सस्ते में और इतने कम में बना लेंगे। तो हमने देखें सारी नगेट्स रेडी कर ली हैं, आप काउंट कर सकते हैं 16-17 नगेट्स हमारी 100 से 150 ग्राम मुकद्दम में बन गई हैं। तो इधर हमने ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लिए हैं, ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मेरे चैनल पर है,
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक सेपरेट बोल में दो अंडे फेंट लूँगी और अच्छी तरह से हमें इनको बीट कर लेना है अंडों को। और उसके बाद हम ये जो बॉल्स हमने बनाई हैं डिप करेंगे एग्स में, और फिर उसके बाद कोटिंग करेंगे हम ब्रेड क्रम्स की और फिर फ्राई करेंगे। तो देखिए, मैंने एग में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेना है इस तरह से, और अच्छे गर्म तेल में मुझे इसे फ्राई करना है। तो बहुत ही अच्छी नगेट्स बनती हैं ये, और बहुत ही कम टाइम में बन जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाएं और बच्चों को भी बना कर दें, सभी को बहुत पसंद आती हैं। टमाटो केचप से, हरी चटनी से बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम सारी ही बॉल्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और उनको ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अलट पलट करने के बाद देख सकते हैं आप, इतनी अच्छी लग रही हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो थोड़ा सा बीच में आप फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा, हाई फ्लेम पर जल जाएंगी। स्टार्टिंग में आप डाल सकते हैं हाई फ्लेम पर, तो इस टाइम भी गैस का फ्लेम मीडियम है। तो मैं इनको पलट कर फ्राई कर रही हूँ, एक साइड से हो चुकी हैं ये। तो इस तरह से आप फ्राई कीजिएगा, बड़े आराम से और बहुत जल्द बन जाती हैं ये। कभी भी आपका जी चाहे और आप चिकन के ड्राई पीसेस घर में हो पीसें और फौरन बना लीजिएगा, इंस्टेंट नाश्ता आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। गेस्ट आ जाएं आपके यहाँ अचानक से, तब भी आप बना सकते हैं, किसी पार्टी वगैरह में भी बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और अब हम इनको डिश आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और कैचअप से सर्व करेंगे। तो बहुत अच्छी मज़ेदार बनी है ये, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपकी चिकन नगेट्स कैसी बनी। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। टेक केयर, बाय बाय।